नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पब्लिक लाइब्रेरी के डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पे। आज द हिंदू के संडे एडिशन पे आर्टिकल आया है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वाले पेज पे। व्हाट इज बिहाइंड चाइना जीडीपी स्प्रिंट। तो अभी रिसेंटली जो चाइना के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 11 प्लेसेस के नाम को चेंज किया गया, उससे संबंधित ये आर्टिकल है। व्हाई हैज इट स्टैंडर्डाइज्ड द नेम्स ऑफ मोर प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश? व्हाट हैज बीन इंडियाज रिएक्शन टू द मूव? हाउ विल इट इंपैक्ट रिलेशंस? हैज चाइना हार्डन इट्स स्टैंड ऑन द बॉर्डर डिस्प्यूट? हैव सच स्टैंडर्डाइजेशन मूव्स हैपेंड बिफोर? मतलब अभी जो नाम चेंज किया गया वो क्या है और इस पे इंडिया का क्या रिएक्शन रहा है? ये आपसी संबंध को इंडिया चाइना के रिलेशंस को कैसे प्रभावित करेगा? साथ ही ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है अरुणाचल वाले इलाके पे इंडिया और चाइना के बीच, तो उसमें चाइना ने अपने स्टैंड को कैसे हार्ड किया है, मजबूत किया है? और इस ऐसा जो स्टैंडर्डाइजेशन है, नेमिंग जो नाम चेंज करने वाली बात है, ये क्या पहले कभी हुआ है या नहीं हुआ? तो इन सब मुद्दों पे बातचीत होने वाली है। तो मुद्दा क्या रहा है, कॉन्टेक्स्ट को पहले देखते हैं। ऑन अप्रैल 2, द चाइनीज गवर्नमेंट अनाउंस्ड इट वुड स्टैंडर्डाइज द नेम्स ऑफ 11 प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश। द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स इन बीजिंग पब्लिश्ड अ लिस्ट ऑफ 11 प्लेस अलोंग विद अ मैप शोइंग इन इंडियन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एज ए पार्ट ऑफ चाइनीज तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। मतलब 2 अप्रैल को चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के 11 प्लेसेस के नाम को स्टैंडर्डाइज किया है, और चाइना का जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स है उन्होंने 11 प्लेस के लिस्ट को पब्लिश किया, और जो चाइना के तिब्बत ऑटोनोमस रीजन से के भाग के रूप में कहे जा रहे हैं। व्हाइल इंडिया डिसमिस्ड द रीनेमिंग व्हिच इज अ लार्जली सिंबॉलिक मूव एंड अनलाइकली टू हैव एनी टेंजिबल ऑन द ग्राउंड इम्पैक्ट ऑन द बॉर्डर डिस्प्यूट, इट हैज अंडरलाइन अ हार्डनिंग चाइनीज स्टैंस ऑन द बाउंड्री, द डिम प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एनी मीनिंगफुल प्रोग्रेस इन द लॉन्ग रनिंग टॉक्स एज वेल एज द करेंट स्ट्रेंड रिलेशंस बिटवीन द नेबर्स। मतलब यहाँ ये बात कही जा रही है कि इंडिया ने तो इस रिनेमिंग को डिसमिस कर दिया गया है, और जो एक बहुत ही बड़ा सांकेतिक मतलब एक कदम कहा जा सकता है चाइना की तरफ से, लेकिन इंडिया ने इसको मतलब डिसमिस कर दिया है, और ये हो सकता है कि बॉर्डर डिस्प्यूट को और गहरा कर सकता है, और इसके साथ साथ बाउंड्री पे चाइना के स्टेंस को और हार्ड कर सकता है। साथ ही साथ इसका कई मीनिंगफुल प्रोग्रेस जो उस बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर वार्ताएं हो रही हैं उसके उसके बावजूद उसको नज़रअंदाज करते हुए चाइना इस प्रकार की कार्रवाई एक्शन करते रहता है। आए दिन खबर आती रहती है चाइना के इस प्रकार के कदम उठाते रहते हैं जिससे बॉर्डर डिस्प्यूट बना रहे, उस पर कोई वन टाइम सॉल्यूशंस पे चाइना कभी मुखर नहीं दिखता। आगे देखते हैं, व्हाट आर द प्लेसेस ऑन द लिस्ट? अब वो कौन सी प्लेसेस हैं जो उस लिस्ट में थी? चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स नोटिफिकेशन अनाउंस्ड 11 प्लेस नेम्स ऑफ पब्लिक यूज इन दी मैंडरिन तिब्बतन एंड इंग्लिश। तो चाइना ने उसको मैंडरिन तिब्बतन और इंग्लिश लैंग्वेज में उसको पब्लिश किया है 11 प्लेसेस को। दिस इंक्लूड 5 माउंटेन पीक्स, 2 मोर पॉपुलेटेड एरियाज, 2 लैंड एरियाज एंड 2 रिवर्स। और इसमें 5 माउंटेन पीक्स हैं, 2 पॉपुलेटेड एरिया है मतलब जनसंख्या गहन क्षेत्र है, 2 लैंड एरिया है और 2 रिवर है। ऑल द 11 साइट्स आर ऑन द इंडियन टेरिटरी, और सारे इंडियन टेरिटरी के अंतर्गत है सारे प्लेसेस। एंड द साउदर्न मोस्ट इज क्लोज टू इंडिया, और उसमें से उन जो ये जो नाम चेंज हुआ जितने लोकेशंस का जितने प्लेसेस का, उसमें जो सबसे दक्षिणतम प्लेस है वो ईटानगर जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है उसके बहुत ही क्लोज है। द चाइनीज गवर्नमेंट रिफर्ड टू द लोकेशन ऑफ द साइट्स एज जंगनैन और साउथ तिब्बत, विच इज हाउ इट रिफर्स टू अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश को चाइनीज गवर्नमेंट इन प्लेसेस को जंगनान या साउथ तिब्बत के नाम से चाइना इसको नोटिफाई करता है। चाइना क्लेम्स एज मच एज 90,000 स्क्वायर किलोमीटर इन द ईस्टर्न सेक्टर ऑफ इंडिया चाइना बाउंड्री कवरिंग द इंटायर स्टेट। चाइना ये भी क्लेम करता है कि 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है उसका जो ईस्टर्न भाग है पूर्वी भाग उसमें 90,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है ना वो चाइना के कब्जे में आता है और जो वो पूरे अरुणाचल प्रदेश स्टेट को कवर करता है। चाइना का ऐसा कहना है। द लिस्ट ऑफ द नेम्स फॉलोज ए न्यू रूल ऑन द मैनेजमेंट ऑफ प्लेस नेम्स बाय द स्टेट काउंसिल और चाइनीज कैबिनेट द कैम दैट कैम इन टू इफेक्ट ऑन मई फर्स्ट लास्ट ईयर अकॉर्डिंग टू 40 रन ग्लोबल टाइम्स व्हिच सेड द रेगुलेशन रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ओवर द नेमिंग एंड रीनेमिंग ऑफ लोकेलिटीज एंड साइट्स एंड स्टैंडर्डाइजिंग नेम्स। तो जो नाम पब्लिश किया गया है वो एक नए शासन को प्रदर्शित करता है चाइना के मतलब मैनेजमेंट को लेकर इस नाम की चेंजिंग करने के उपरोक्त प्लेसेस को जो जिसके नाम को रिनेम किया गया स्टैंडर्डाइज किया गया उसमें एक उनके नए शासन के भनक मिलती है चाइनाज कैबिनेट की। तो ये पिछले साल भी मई फर्स्ट को इसमें ग्लोबल टाइम्स में ये रिपोर्ट छपी थी और इसमें स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ओवर द रीनेमिंग एंड नेमिंग ऑफ लोकेलिटी साइट की जरूरत है इस शीर्षक से उसमें रिपोर्ट पिछले साल 1 मई को भी छपी थी। इज दिस फर्स्ट सच रीनेमिंग अटेम्प्ट, क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है कि रीनेमिंग किया गया चाइना की तरफ से? तो इसका जवाब देखते हैं। दिस इज द थर्ड टाइम चाइना इज इशूइंग नेम्स फॉर प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश अगेंस्ट सीन एज प्रोवोकेटिव बाय इंडिया एंड वन दैट हैज कोइंसाइडेड विद पीरियड्स इन स्ट्रेन एंड रिलेशंस। मतलब ये तीसरी बार है जब चाइना ने ऐसा किया है और ये रिलेशंस को मतलब बहुत ही विवादित बना दिया इसके कारण से। एंड इन 2017 द फर्स्ट लिस्ट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड नेम्स वाज इशूड फॉर 6 प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश व्हिच वाज देन सीन एज रिटेलिएटरी मूव आफ्टर द तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा विजिटेड डिस्ट्रिक्ट। 2017 में पहली बार अरुणाचल प्रदेश के 6 स्थल का नाम चेंज किया गया था जब तिब्बत के जो एक बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं आध्यात्मिक नेता दलाई लामा जब भारत उस अरुणाचल प्रदेश को विजिट किए थे तब। द सेकेंड सच लिस्ट वॉज इशूड इन दिसंबर 2021 मोर देन अ ईयर इन टू द क्राइसिस स्पार्क बाय द चाइनीज मल्टीपल ट्रांसग्रेशंस अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल स्टार्टेड इन अप्रैल 2020। जैसा आप लोगों को पता होगा कि 2020 में जो झड़प हुई थी म्यूचुअल स्टैंड ऑफ हुआ था अप्रैल 2020 में कोरोना जब स्टार्टिंग हुआ था स्टार्टिंग फेज में तो उस समय चाइनीज और इंडियन फोर्सेस के बीच जो झड़प हुई थी उसके जस्ट बाद चाइना ने ऐसा अटेम्प्ट लिया था। तो ये है सेकेंड बार और सेकेंड लिस्ट कोइंसाइडेड विद द न्यू बॉर्डर लॉ पास्ड बाय द चाइनीज गवर्नमेंट दैट कॉल्ड वेरियस चाइनीज सिविलियन एंड मिलिट्री एजेंसीज टू टेक स्टेप्स टू सेफगार्ड चाइनीज टेरिटरी इंक्लूडिंग थ्रू सच एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। मतलब सेकेंड लिस्ट को तब जारी किया गया था जब चाइना ने नया अपना बॉर्डर लॉ पास किया था और उसमें ये कहा गया था हम सिविलियन और मिलिट्री एजेंसी को बढ़ाएंगे आगे करेंगे उसको सेफगार्ड करना है हमें और उसके साथ साथ प्रशासनिक सुधार भी करना है। सेकेंड लिस्ट तीन जो था सेकेंड लिस्ट है 15 प्लेसेस इंक्लूडिंग 8 टाउन्स एंड 4 माउंटेन्स एंड 2 रिवर्स एंड सेला माउंटेन पास। तो सेकेंड लिस्ट 15 प्लेसेस के में लाया गया था उसमें 8 टाउन था और 4 माउंटेन थे और 2 रिवर्स थे और एक सेला माउंटेन पास था जो दर्रा होती है। जांग योंग पेन अ लीडर बॉर्डर एक्सपर्ट एट बीजिंग चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस टोल्ड ग्लोबल टाइम्स इन अर्लियर इंटरव्यू दैट द रीनेमिंग लिस्ट एज वेल एज द बॉर्डर लॉ वेर इंपॉर्टेंट मूव्स मेड बाय द कंट्री टू सेफगार्ड नेशनल सॉवरेनिटी बेटर मेंटेन नेशनल सिक्योरिटी एंड मैनेज बॉर्डर रिलेटेड मैटर्स एट ए लीगल लेवल एमिड रीजनल टेंशंस इंक्लूडिंग फ्रिक्शंस विद इंडिया। तो वहाँ पर एक बॉर्डर एक्सपर्ट है चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस में तो उन्होंने ग्लोबल टाइम्स को ये कहा जिसका नाम चांग वेयोंगपेन है तो उनका एक इंटरव्यू में ये कहना था कि ये बॉर्डर लॉ के रूप में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मूव रहा है जो रीनेमिंग किया गया है प्लेसेस का चाइना के द्वारा ताकि
ताकि वो चाइना की जो राष्ट्रीय संप्रभुता है, नेशनल सॉवरेनिटी, उसको सेव कर सके, उसको सुरक्षित कर सके, और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। उसके साथ साथ जो अभी इंडिया के साथ फ्रिक्शन चल रहा है, लीगल जो अभी तनाव चल रहे हैं, रीजनल टेंशन हो रहे हैं, इन सब मैटर के परिप्रेक्ष्य में ये नाम रिनेमिंग एक इम्पोर्टेंट मूव्स उनका कहना है। द बॉर्डर लॉ विच टुक इफेक्ट ऑन January 1, 2022 कंटेन 62 आर्टिकल्स कवरिंग डिलिनियेशन एंड बॉर्डर डिफेंस एज वेल एज इमाइग्रेशन, बॉर्डर मैनेजमेंट एंड ट्रेड। तो बॉर्डर लॉ जो 1 जनवरी 2022 से मतलब वहाँ लागू हो गया, तो उसमें कई चीज़ें कवर थी। उसमें 62 आर्टिकल्स थे, जिसमें मुख्य रूप से थे बॉर्डर डिफेंस, इमाइग्रेशन, आप्रवासन जो होता है, बॉर्डर मैनेजमेंट एंड ट्रेड, ये भी उसमें शामिल थे मुख्य रूप से। द इशूइंग ऑफ न्यू नेम्स इज रिलेटेड टू आर्टिकल 7, उसमें से आर्टिकल 7 रिलेटेड है, जो हम उनका जो नया बॉर्डर लॉ है उसका आर्टिकल 7 रीनेमिंग ऑफ मतलब न्यू नेम, रीनेमिंग ऑफ प्लेसेस से संबंधित है, ताकि हम प्रोमोट कर सके बॉर्डर एजुकेशन एट ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इनका ये चाइनीज स्टैंड ये रहा है, बट इज बिहाइंड चाइनीज मूव्स। तो चाइना के इस प्रकार के कदम के पीछे क्या राज है, क्या उद्देश्य रहा है, तो इसको देखते हैं। एज विद द टू प्रीवियस केसेस, इंडिया रिजेक्टेड द चाइनीज अनाउंसमेंट। जब पहले दो बार 2017-2020 में रिनेम किया गया था, इंडिया ने उसको चाइना के अनाउंसमेंट को रिजेक्ट कर दिया था। अरुणाचल प्रदेश इज हैज बीन एंड विल ऑलवेज बी इंटीग्रल एंड इनअलाइनेबल पार्ट ऑफ इंडिया, अटेम्प्ट्स टू असाइन इन्वेंटेड नेम्स विल नॉट अल्टर दिस रियलिटी। मतलब भारत की तरफ से ये कहना है कि अरुणाचल प्रदेश सदैव से भारत का एक अखंड हिस्सा रहा है और हमेशा रहेगा। कोई भी अगर नए नाम से इसको असाइन किया जाए तो ये इस वास्तविकता को चेंज नहीं करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची का कहना ये है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर है आपका कि मोर ब्रॉडली द मूव्स फ्रॉम बीजिंग पॉइंट टू अ हार्डनिंग ऑफ इट्स स्टैंड ऑन टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स व्हिच आर नाउ सीन लेस एज मैटर्स टू बी रिजॉल्व डिप्लोमेटिकली एंड बायलैटरली बट एज द क्वेश्चंस ऑफ चाइनीज सॉवरेनिटी। मतलब अगर विस्तार पूर्वक अगर देखे, थोड़ा ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ऐसे जो मतलब मूव्स लिए जा रहे हैं चाइना के द्वारा, तो ये जो है ना बॉर्डर डिस्प्यूट को और बढ़ा रहा है। इसमें से ये संभावना बहुत कम दिख रही है कि डिप्लोमेटिकली बायलैटरली इनके बॉर्डर डिस्प्यूट या आपसी जो विवाद है उसको सुलझाया जा सके। बिसाइड्स द रिनेमिंग द न्यू बॉर्डर लॉ एज वेल एज द न्यू रेगुलेशंस फ्रॉम द स्टेट काउंसिल ऑल अंडरस्कोर हाउ अंडर करंट लीडर जाय जिनपिंग द प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी एंड टेरिटरी हैज बीन मैंडेटेड अंडर वेरियस लॉ। मतलब ये जो अभी नाम चेंज किया है, इसको छोड़ के भी अगर उनके बॉर्डर लॉ को देखे और नए जो रूल्स रेगुलेशन को उसके स्टेट काउंसिल की तरफ से देखे जाय जिनपिंग के लीडरशिप में, तो वो उनके मतलब प्रोटेक्शनिज्म जो है, संरक्षण संरक्षणवाद की पॉलिसी को शो करता है नेशनल सॉवरेनिटी के लिए और अपने टेरिटरी के लिए, और उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए हैं। दिस हैज ऑल्सो ड्राइवन मोर एक्टिविटी अलोंग द बॉर्डर्स फ्रॉम लोकल लेवल अथॉरिटीज सच एज स्टेप्ड अप प्रोग्राम्स टू बिल्ड न्यू सिविलियन सेटलमेंट्स इंक्लूडिंग सम दैट हैव कम अप ऑन द टेरिटरी डिस्प्यूटेड बाय बोथ भूटान एंड इंडिया एज वेल एज अदर बॉर्डर स्पेशल। मतलब इसने क्या किया है ना कि बॉर्डर के अराउंड में लोकल लेवल अथॉरिटी को और एक्टिव कर दिया गया है। जैसे कई प्रोग्राम चल रहे हैं नए सिविलियन के मतलब सेटलमेंट के लिए बिल्डिंग बन रही है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को वहाँ मजबूती मिल रही है। तो इंडिया की तरफ से भी इसमें कई रिएक्टिव रिएक्शंस रहे हैं, जैसे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, बॉर्डर डेवलपमेंट, ये सारे चीज हो रहे हैं। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द बाउंड्री डिस्प्यूट। मतलब बाउंड्री का जो डिस्प्यूट है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दिस सिंबॉलिक जेस्चर में हैव लिटिल रियल इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड। इट एट द सेम टाइम ऑल्सो डज रिफ्लेक्ट हाउ द सिचुएशन अलोंग द बॉर्डर्स डिस्क्राइब बाई इंडिया इज स्टेबल बट अनप्रिडिक्टेबल इज मोस्ट कंसर्निंग सिंस द नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन 1988 एंड दे एग्री टू सेल देमसेल्व्स एंड मेंटेन पीस अलोंग द बाउंड्री। 1988 में इंडिया एंड चाइना के बीच पीस समझौता हुआ था कि हाँ हम लोग बॉर्डर डिस्प्यूट वगैरह को कम करेंगे और आपस में पीस मेंटेन करके रखेंगे, अपने डिफरेंस को कम करेंगे। लेकिन उसके बाद से अभी का स्थिति जो है इंडिया और चाइना में, तो
उस बॉर्डर के अराउंड स्टेबल तो है लेकिन अनप्रिडिक्टेबल है, कब क्या हो जाए पता नहीं। तो हालांकि ये जो अभी रीनेमिंग किया गया इसका बहुत कम इम्पैक्ट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये उत्प्रेरक की भूमिका तो जरूर निभा रहा है। बोथ साइड्स ऑल्सो टुक टेंटेटिव स्टेप्स टुवर्ड्स द परमानेंट सेटलमेंट बाय अपॉइंटिंग स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स इन 2003 टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट। मतलब स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव विशेष प्रतिनिधि की मतलब चयन भी किए गए हैं दोनों तरफ से, विशेष प्रतिनिधि बनाए गए ताकि हम ये अपना जो डिस्प्यूट है इंडिया चाइना को इसको कम करने के लिए प्रयास करें। 2003 में ऐसा प्रयास हुआ है। दिस वॉज हाउएवर प्रिडिक्टेड ऑन मेंटेनिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी थ्रू द रेंज ऑफ मैकेनिज्म सेट्स बाय द बोथ साइड्स। तो ये प्रिडिक्ट किया गया था कि पीस वगैरह पीस मैकेनिज्म को यहाँ पर ही किया जाए और कई ब्रॉड स्तर पे कई मैकेनिज्म्स के तौर पे कई स्तर से कई पहलुओं से कई डायमेंशन से इंडिया और चाइना के रिलेशंस को बेहतर करने का प्रयास हो। चाइना 2020 ट्रांसग्रेशंस हैव हाउएवर लेफ्ट दोज अरेंजमेंट्स इन टैटर्स। लेकिन 2020 में चाइना का जो गलवान घाटी में जो झड़प हुआ था, स्टैंड ऑफ हुआ था चाइना और इंडिया के आर्मी के बीच, तो इन्होंने इन अरेंजमेंट इन संभावनाओं को अभी जोखिम में डाल दिया है। अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स फ्रॉम बोथ साइड्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द डिकेड्स हैज बीन स्टेंस परमानेंटली फॉरवर्ड एरिया। उसमें एक मतलब बड़ी मात्रा में जो ट्रूप्स हैं सेनाएं हैं दोनों साइड से मतलब इंडिया चाइना से फर्स्ट टाइम, तो अभी आपस में अपने जो बॉर्डर एरिया है वहां पर सामने हुए हैं। डिस्कशंस टू डिस इंगेज विद हैव मूव्ड स्लोली बट बोथ आर एबल टू रीच एट एग्रीमेंट ऑन डांचोक एंड सैंक्स आफ्टर हैविंग डिस इंगेज इन फोर देयर फ्रिक्शन एरिया। कई स्तर पे डिसंगेज होने के बाद भी ये मतलब बातचीत करने के लिए और वहां पर अपनी स्थिति को कंट्रोल पीसफुल एनवायरनमेंट बनाने के लिए बॉर्डर एरिया पे जहाँ पर डिस्प्यूटेड एरिया है डैमचौक डैपसैन पे एग्रीमेंट भी हुई है, डिस्कशंस वार्ताएं हो रही है स्लोली स्लोली हो रही है। इन द इयर्स आइज ऑफ मोस्ट ऑब्जर्वर्स द मोस्ट रियलिस्टिक परमानेंट पैकेज सेटलमेंट इज वन दैट वुड सी माइनर एडजस्टमेंट्स अलोंग द लाइन ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल इन बोथ वेस्टर्न सेक्टर्स वेयर इंडिया से चाइना एज ऑक्युपाइंग एज मच 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एंड इन द ईस्टर्न सेक्टर वेयर चाइना क्लेम्स एज मच 90,000 स्क्वायर किलोमीटर इन अरुणाचल। मतलब अधिकतर जो ऑब्जर्वर निरीक्षकों का कहना है कि एलएसी के आसपास जो एडजस्टमेंट हो रहा है वो बहुत ही माइनर है और साथ ही साथ चाइना के द्वारा जो अक्षाचिन का 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो ऑक्यूपाई किया गया है साथ ही साथ 90,000 स्क्वायर किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में क्लेम किया जा रहा है, तो ये एक बड़ी बात हो जाती है यहाँ एडजस्ट करने की। डिफरेंसेस इन द मिडिल सेक्टर आर लेस कॉम्प्लेक्स। लेकिन बीच में जो बॉर्डर का बीच वाला एरिया है बीच वाला भाग है मिडिल बॉर्डर, तो उस जगह पे आपस में उतना मतलब जटिलताएं नहीं है, लेस कॉम्प्लेक्स है। द स्वैप इन द वेस्ट एंड ईस्ट टेक्निकली सजेस्टेड बाय द लीडर डेंग ज़ियाओपिंग इन द 1980s वाज आल्सो अलोंग दिस लाइंस। तो वेस्ट और ईस्ट का जो आपस में जो विवाद रहा है बॉर्डर वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर विद चाइना, तो उसमें मतलब जो विवाद रहा है ये चाइनीज लीडर का भी इस जगह पे कहना है। बीजिंग हाउएवर हैज इंक्रीजिंगली बीन वोकल अबाउट इट्स अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल क्लेम्स एंड इट्स ऑफिशियल्स हैव सेड एनी सेटलमेंट वुड रिक्वायर इंडिया टू गिव अप टेरिटरी इन द ईस्ट अ डिपार्चर फ्रॉम द डेंग सजेशंस एंड एन अनथिंकेबल प्रोस्पेक्ट फॉर एनी इंडियन गवर्नमेंट। तो जो भी हो बीजिंग ने हमेशा अरुणाचल प्रदेश के क्लेम को के प्रति अपनी मतलब जागरूकता को बनाए रखा है और उस अरुणाचल प्रदेश क्लेम के में सजग रहा है और इसके ऑफिशियल्स ने कई स्टेटमेंट के तहत कहा है कई ये में कि सेटलमेंट जो हो रही है वुड एक्वायर इंडिया टू गिव अप टेरिटरी इन द ईस्ट। मतलब ये बोल रहा है कि इसके बॉर्डर के आसपास जो हम लोग सेटलमेंट कर रहे हैं ये
इंडिया को ये करेगा कि वो अपना इसमें इस टेरिटरी पे अपना गिव अप करे, इसमें अपनी संप्रभुता छोड़े, ऐसे ऐसा बीजिंग के तरफ से मतलब इच्छा जताई जा रही है। द रिनेमिंग एंड इशूइंग ऑफ स्टैंडर्ड नेम्स बाय द चाइनीज गवर्नमेंट व्हिच हैज एसेंशियली कन्वेड द चाइनीज पब्लिक दैट ईस्टर्न सेक्टर इज आल्सो नॉन न्यूज़ और चाइना एंड हैज अंडरलाइन द हार्डनिंग चाइनीज स्टैंस व्हिच हैज लेफ्ट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ स्टेट सेटलमेंट डिमर देन एवर। मतलब ये जो मूवमेंट अभी हुआ है जो उस रीनेमिंग का, स्टेटाइजेशन का, तो इससे चाइनीज पब्लिक खुश हुई है चाइना के इस हार्ड स्टेप से, हार्ड पॉलिसी से। लेकिन इससे कहीं ना कहीं इंडिया के साथ जो रिलेशंस है वो थोड़ा मतलब डिम हुआ है। तो ये था पहला आर्टिकल।